पागल मत बनो, जा जाकर ढूंढो उसे, और अगर मिल जाए तो उसको उसके बाप की तरफ छोड़ा, और बता देना कि मेरी तरफ आने की कोई जरूरत नहीं। अनीसुद्दीन को उसकी जरूरत नहीं थी, वो कोई चीज थी, खिलौना थी क्या वो? बदर, वो अनीस का ही बेटा है, वरना अनीस क्यों उसके पीछे इतना पागल होते? हमें तो ये नहीं समझ आता कि आप क्यों बार बार इस तरह की बातें करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? वही जो जाहिदा कह नहीं सकती। कौन नामाकूल आ गया इस वक्त? देखते हैं हम। अनीस, अनीस, कौन है भाई साहब आप? ऐसे कैसे आ रहे हैं अंदर? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मैं ज़ायदा का कज़न हूँ। ज़ायदा कहाँ पर है? वो कहीं चली गई है, हमें नहीं पता। चली गई है या तुम लोगों ने उसे मार दिया है? भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? सब पता चल जाएगा यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। आप लोग शक्ल क्या देख रहे हैं? अंदर जाओ, तलाशी लीजिए। खबरदार कोई अंदर गया? किसी के पास सर्च वारंट है? हेलो मैडम, सर्च वारंट है हमारे पास, जाओ। देखिए वो यहाँ से खुद चली गई है, आप हमारी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मार दिया ना तुम लोगों ने उसे। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई मत कह मुझे तू। हम अभी अनीस को फोन करते हैं। अनीस को क्या, अनीस के बाप को भी फोन करो तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तमीज से देखिए, आपको जो भी बात करनी है आप तमीज से कीजिएगा। अंदर सब चेक कर लिया, अंदर कुछ नहीं। अच्छी तरह चेक किया सब? जी सर। क्या है? आप हमारे साथ चलें, सब पता चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं किया है हमने। हम अनीस, हम बेचैन को बुला के लाते। नहीं नहीं, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं, उनकी तबीयत पहले ही खराब है, ये सब तमाशा उन्हें दिखाना नहीं चाहिए। तो बताता क्यों नहीं, कहां पर है वो? मेरे ख्याल हम थाने चलते हैं, आराम से बैठ कर सारी बात कर लेंगे। तुझे तो मैं देख लूंगा। कुछ नहीं किया हमने, इसलिए हमें डरने की जरूरत भी नहीं। बदर आप साथ जाइए। देखिए आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। किसी की जरूरत नहीं है हमें, जो कुछ होगा हम खुद देख लेंगे। हेलो मामू, आप थाने पहुंचे। अरे मामू आप पहुंचे तो मैं बताऊंगा वहीं पे। चलिए। अनीस है। अनीस, अनीस को क्यों ले जा रहे हैं ये? बीजान, बीजान, कहाँ ले गए हमारे बच्चे को? बीजान पुलिस स्टेशन। क्यों भाई, क्या वजह बनी?
बीजान वजायदा का कजिन आया था उनके साथ, पता नहीं क्या वजह। बीजान वो तो अनीस मियां पे कत्ल का शुबा कर रहे थे। फौरन गाड़ी निकालिए, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। बीजान आप खुद को संभालिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप लोगों ने उनको रोका क्यों नहीं? किसी ने पुलिस के किसी बड़े ऑफिसर को फोन क्यों नहीं किया? बीजान हम वही करने वाले थे। हमारी तबीयत खराब हो रही है, हमारा दिल बैठा जा रहा है। खैर निसा आप डॉक्टर को कॉल कीजिए। जी हमने कहा ना आप डॉक्टर को कॉल कीजिए। हाँ। जी हम करते हैं। बीजान ये कौन आ गया है? या इलाही खैर हम देख लेते हैं। चलिए बीजान कमरे कमरे में बीजान चलिए। देखिए आप लोग हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्यों समझने की कोशिश करें? तुम सब सच बताओ ना, मेरी बेटी कहाँ है? इसे मेरे यहाँ रख दीजिए, फिर देखना मैं इसका क्या हाल करता हूँ। देखिए आप लोग आराम से बात करें। सर वो आपके डीएसपी साहब ने आना था, वो आए क्यों नहीं अब तक? कहाँ रह गए? सर वो आने वाले अभी। सर आप इस बेगैरत इंसान को सर कह रहे हैं? आप जरा आराम से बात करें। देखे नहीं ये बच्चा है, लेकिन ये आदमी दरिंदा है। इसने मेरी बेटी को मार दिया है या ऐसे हाल में कर रखा है कि ना वो जिंदा है ना मुर्दा है। जुल्म है ना ये? ऐसा कुछ नहीं साहब जी, ऐसा ही किया है। शादी के दूसरे रोज प्रेशर दे रहे थे मेरी बेटी पर। देखें ऐसी कोई बात नहीं। बकवास करता है साहब ये। अरे दुनिया के जाहिल से जाहिल आदमी भी ऐसी बात नहीं कर सकता जिस तरह से तुम्हारी माँ ने बात की थी। वो तो दुनिया भर की खवातीन करती हैं। साहब जी दूसरे दिन ही इसकी माँ इसके जुर्म में शरीक है। मैं तो कहता हूँ उसको भी बुला लो। क्या आप हमारी माँ को बुलाएंगे? आपकी इतनी जुर्रत कैसे हुई? सर आप रिलैक्स हो जाए, मैं समझाता हूँ उसको। नहीं नहीं एक मिनट, इनकी हिम्मत कैसे हुई? इनकी औकात क्या है हमारे सामने? अरे हिम्मत की क्या बात कर रहे हो? मेरी बेटी ने मुझे खुद फोन किया था कि वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। अरे वो तो मैं ही पागल था, मैंने उसे मना कर दिया था। दो चार रोज पहले उसकी फोन आई थी। देखिए एसएचओ साहब, मैं आपको असल कहानी बताता हूँ। इनकी बेटी हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी, और यकीन कीजिए हमने उनके साथ कुछ नहीं किया। आप चाहें तो हमारे घर की तलाशी ले सकते हैं, और देखिए हमारा बच्चा अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, हम इससे ज्यादा देर यहाँ नहीं जाया कर सकते। बच्चा? हाँ बच्चा, हमारी पहली बीवी से। और जायदा शायद यही बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। देखिए हम आपकी हर तरह से मदद कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें जाने दें। हेलो जी जी सर। सर नहीं नहीं सर जी जी पता है सर पता है। ओके सर। सर आप जा सकते हैं। अरे सर ऐसे कैसे जा सकते हैं सर? ये सर ऐसे कैसे जा सकते हैं सर ये? थैंक यू। जायदा के लिए किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हम हाजिर हैं, पर अभी हमें अस्पताल जाना। एक्चुअली हेलो क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ, बताते क्यों नहीं? सलाम अलैकुम। जी 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 आप परेशान मत हो, हम बिल्कुल ठीक हैं। जी थाने से निकल रहे हैं, पहले हॉस्पिटल ही जाएंगे फिर घर आएंगे। चलिए हम आपसे बाद में बात करते हैं। तो मुझे बताते क्यों नहीं कहाँ है मेरी बेटी? मामू मैं इसका खून कर दूंगा। तमीज से बात करो यार,
अपने आपे से बाहर हो रहे हो, मैं हो गया ना तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे तुम। थाने वाले ही तुम्हें यहां से नहीं छोड़ेंगे। कुछ नहीं किया मैंने आपकी बेटी के साथ, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? अरे पर मामू यार, तुम्हें कहा है ना बीच में मत बोलो। रहा सवाल आपकी बेटी का, देखें मैं कुछ नहीं कर सकता था उसका। अगर आपसे उसकी मुलाकात हो तो उसे बता दीजिएगा कि रात के अंधेरे में जो अपने घर छोड़ के जाते हैं दिन के उजालों में उन्हें अपना घर नहीं मिलता। जब वो आपको मिल जाए तो वो आपको ही मुबारक हो। करीम, करीम, सकीना, जरूरत के वक्त कोई भी नहीं होगा इनमें से घर में। अब दरवाजा भी हमें ही खोलना होगा, कोई काम नहीं कर सकते ये लोग। अरे भाई सदरुद्दीन, आइए आइए। क्या बात है आपकी, लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों, सब खैरियत है? हां भी और नहीं भी। क्यों पहेलियां बुझवा रहे, बीजन तो ठीक है ना? अभी तक तो ठीक है भाई सदरुद्दीन। हम खुद ही जाके देख लेते हैं। जरूर जाके देख लीजिए, लेकिन हमारी बात पहले सुन लीजिए। हमारी बात यह है कि पुलिस आई थी, अनीस मियां को ले गई। क्या, क्यों? कह रहे थे कि जाहिदा के कत्ल में अनीस मियां का हाथ है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब आप, शगुफ्ता ने हमें बताया था कि जाहिदा तो घर छोड़ के गई भी है। ये बात आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम कि वो कहां गई है। हम जाते हैं अनीस को देने। चले जाइए, थाने जाइए, पर आप उन्हें ला नहीं सकेंगे। और हम तो चाहते हैं कि सभी यहां से चले जाएं, बल्कि मर जाएं। क्या बोले जा रहे हैं आप? वही जो हमारे दिल में है, अगर इस घर में जायदा नहीं तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। आहिस्ता बोलिए, कोई सुन लेगा तो कयामत आ जाएगी। कयामत आती है तो आ जाए, लेकिन यहां से ना जाए तो मजा आए। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। सच कह रहे हैं हम जाहिदा से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी आप पैसे से या फिर अपनी दूसरी वाली से। अरे किसने कह दिया दूसरी वाली से मोहब्बत है? कोई मोहब्बत तो बताइए। और हमें पैसे से भी कोई प्यार वैर नहीं? करते तो हैं आप, इसीलिए आपने शगुफ्ता मंदान से शादी की थी। हम शगुफ्ता से बहुत मोहब्बत करते हैं, पैसों का कोई लालच नहीं है। देखिए भाई सदरुद्दीन, हम आपको समझा रहे हैं, आता हुआ पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, और यही मौका है कि हम शगुफ्ता मन्नान, खैरुन्निसा बेगम, बीजान और अनीसुद्दीन के घर वालों से सारा हिसाब किताब चुकता करें। अच्छा, कैसे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने आपको और हमें जितने ताने दिए हैं, जितनी बातें कसी हैं हम पे, हम उन सारी बातों का हिसाब किताब अब ले सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि बेकार हम नहीं, बेकार वो ही है। मतलब हम आपको अभी समझा देते हैं। एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके बेटों के बाप का नाम क्या है तो आप क्या जवाब देंगे और कितनी देर में देंगे? फौरन बताएंगे सबको कि हम ही बाप हैं उनके। जी, तो जब अनीस मियां से पूछा गया कि सिकंदर मियां के बाप का नाम क्या है तो वो सोच में क्यों पड़ गए? सोचिए सोचिए। आपकी इस बात ने तो हमें सोच में डाल दी। वाला है क्या? मतलब ब्लड कैंसर है उसे। क्या?
अरे बेटा अनीस का कोई फोन नहीं आया? नहीं पप्पू, तो नमाज पढ़ रही थी। तो बेटा तुम अब कर लो ना उसको फोन, मेरा फोन तो वैसे ही बंद हो गया है। अरे मेरे भाई मेरे बेटे, कुछ पता चला जायदा का? नहीं आपा, पता चल जाएगा। वो जायदा की तस्वीर ले ली है उन लोगों ने और तलाश शुरू कर दी है। पर अब्बा पहले उन लोगों के घर की तलाशी तो लेनी चाहिए थी। बेटा वो तो पहले ले चुके हैं। तो फिर आप ही गई कहां? बेटा आहिस्ता बोलो, तुम्हारी माँ ने सुन लिया तो मर जाएगी। अच्छा अब्बा आहिस्ता बोल लेती हूँ, उन्होंने कुछ तो बताया होगा कि आप ही गई कहां? ये तुम अब्बा से क्यों पूछ रही हो? खुद से क्यों नहीं पूछती? तुम्हारे बहन भाई तो बहुत ही अच्छे थे ना। अरे तुम ये क्या बकवास लेके बैठे गए हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। बकवास नहीं कर रहा मामू, यही फसाद की जड़ थी। इसने मेरी और जायदा की जिंदगी में आग लगाई थी। अरे क्या बकवास कर रहे तो अनीस? बकवास नहीं कर रहा अम्मा, इससे पूछे जायदा कहाँ है, वरना मैं इसे जान से मार डालूंगा। बस खबरदार अब एक लफ्ज भी बोले तो। मैंने कहा ना तुम परेशान ना। देखो बेटा इसमें कोई जानबूझकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, ज्यादा खुद तुमसे शादी करना नहीं चाहती थी। बस मामू बस, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। मैं आज भी ज्यादा को ढूंढ लेना चाहता हूँ। अरे बस चुप, अब एक लफ्ज ना बोलना। बेटा शायदा जाओ जाके खाना लगाओ। मुझे कोई भूख नहीं है पापा, मैं ज़ायदा को ढूंढने जा रहा हूँ किसी सहेली के यहाँ, कहीं तो होगी ना। अब्बा मैं भी साथ चलूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं तुम्हें। अरे पर बस, मैंने कहा ना कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद ढूंढ के ले आऊंगा। आपा ये तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद साथ जाती हूँ, ये कुछ नहीं कर सकता मेरी इजाजत के बगैर। ले बेटा। बेटा मैं भी जाता हूं, हो सकता है मुझे कहीं मिल जाए। आप तशरीफ रखिए, मैं आ रहा हूं। जी जी। हेलो। हेलो कहाँ थे तुम? क्या तुम्हें कोई काम है? क्या मतलब है कोई काम था, बात करवाओ मेरी सिकंदर से। वो अभी सो रहा है। सो रहा है इस वक्त? हाँ यार रात के 10 बज रहे हैं, इस वक्त सो रहा है। हाँ मैं भूल गई थी, पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। दिल का काम सिर्फ धड़कना होता है। हाँ पता है मुझे, तुम यही कहोगे। चलो मैं रखता हूँ, बाय। अनीस सिकंदर तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। उसे अक्सर रात को बुखार हो जाता है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने कभी इसका चेकअप करवाया डॉक्टर से? नहीं, दवा खिलाती हूँ तो ठीक हो जाता है। फिर परेशान क्यों हो रही हो तुम? सिकंदर का ख्याल रखना। हाँ हाँ मैं करता हूँ तुमसे बात। हेलो अनीस, हेलो। आप डॉक्टर साहब सब कैरियर तो है ना? नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपके बेटे ने कभी अपने जिस्म में दर्द होने की शिकायत की है? पता नहीं, मुझे इस बात का नहीं पता। अच्छा उसको कभी चोट लगी हो और खून मुश्किल से बंद हुआ और बुखार भी शाम के बाद शुरू होता? डॉक्टर साहब मुझे इसमें से किसी बात का नहीं पता है। आपको नहीं पता तो किसे पता है? इनकी वालदा को पता है, वो इनका ख्याल करती है।
आप मेरी उनसे बात करा सकते हैं? वो इस वक्त जहां हैं उनके फोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे, आप मुझे बता दीजिए क्या हुआ। आपके बेटे को ब्लड कैंसर है। कैसे हो सकता है उसको ब्लड कैंसर? कैसे? किसी को भी हो सकता है, आप फिक्र ना करें, हम इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं ना। बोन मैरो से भी इलाज मुमकिन है, और भी बहुत से तरीके हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो, कहाँ थे आप? हम तो बहुत पहले आने वाले थे, लेकिन बीजान की तबीयत अचानक खराब हो गई। डीआईजी साहब का फोन आ गया था ना? जी। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। जी हाँ। सिकंदर मियां की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, सिकंदर शायद हारने वाला है। हारने वाला है? क्या मतलब? ब्लड कैंसर है उसे। क्या? हाँ। लेकिन इतने छोटे से बच्चे को इतनी मौलिक बीमारी कैसे हो गई? पता नहीं, लेकिन उसे ये बीमारी हो गई। लेकिन इसका कोई ना कोई इलाज तो होगा ना? बोन मैरो से इलाज करना चाहते हैं ये लोग। बोन मैरो से? हाँ, बोन मैरो तो वालिदैन में से किसी एक से लिया जा सकता है। वालदा का तो ठीक है, पर क्या? पर कुछ नहीं अनीस मियां। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, हम बस ऐसे ही सोच रहे थे। हम सिकंदर मियां से मिलके आते हैं, आप भी सोचिए। साहब, ये सदर मियां से कहिए कि वो थाने से पता करें उस लड़की के बारे में। कुछ पता चला? बीजान थाने से फोन आया था, उनका अब तक कहीं पता नहीं चला। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, उसको जमीन निकल गई या आसमान चुरा कर ले गया? ये आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? सब हमने आपके लिए किया है। घर में रोशनी के लिए चिराग जलाए जाते हैं, जो आग घर को चिराग बनाना चाहे उसे फौरन से बेशतर बुझा देना चाहिए। इसी में घर वालों की और घर की बेहतरी है। जी बीजा। और हाँ खैरुनिसा, आप बदर मियां को छोड़ने की बात कर रही थी, आइंदा याद रखिएगा ये शुरफा का शेवा नहीं है। हमारे यहां ना कभी किसी की अलैदगी हुई है और ना होगी।
जी। बदर मियां को तो हम संभाल लेंगे, आइंदा आपने उनके सामने उस लड़की का जिक्र नहीं करना। वैसे तो लोग माँ बाप को भी कब्र में डालकर भूल जाते हैं, ये तो एक पराई लड़की है। अनीस मियां से बात हुई आपकी? जी, बदर उन्हीं के पास गए। हमें बताते रहिएगा उनके बारे में। जी बीजान, आप बैठिए, ये सूप पी लीजिए। सूप बना लिया आप? जी जी। चलिए। जी जी ठीक है, मैं पढ़ाई करवा देती हूँ। खुदा हाफिज। फुप्पो, क्या ये सब पढ़वाने से अम्मा की तबीयत ठीक हो जाएगी? अरे हाँ मेरा बेटा, अल्लाह के पाक कलाम में बहुत बरकत है, अल्लाह ने चाहा तो पढ़ाई करवाने के बाद तुम्हारी अम्मा काफी ठीक हो जाएंगी। फुप्पो, मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा है। अम्मा बार बार मुझसे पूछ रही हैं कि ये पढ़ाई किसके लिए करवाई जा रही है। अरे तेरी अम्मा क्या समझ रही है मैं क्यों करवा रही हूँ, अरे उसी की सेहतियाबी के लिए तो पढ़ा रही हूँ, ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और अपने बच्चों के सर पे सलामत रहे। अरे आ गए तुम लोग, ये क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने अपना। हाँ मंजूर अली। आपा, मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा। और वो जो पुलिस वाले थे उन्होंने कुछ नहीं किया? अम्मा उनको भी नहीं मिल रही। अरे तो फिर वो कहाँ जा सकती है? अबा उसके किसी दोस्त का घर नहीं छोड़ा, समझ में नहीं आ रहा। मंजूर अली, तुम यूं करो कि मुझे जाहिदा की सास के पास ले चलो, मैं जाके उससे बात करती हूँ और देखती हूँ कि वो करती क्या है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कहाँ ढूंढे बच्ची को, उसका कुछ पता हो तो जाके उसे मिन्नत समाजत करके मना के ले आए। अबा यही तो मेरी गलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिस दिन उसका फोन आया था ना तो मुझे उसको ले आना चाहिए था ना। मंजूर अली किस दिन? वो जिस दिन मंगनी की रस्म थी तो उसका फोन आया था, तो मैंने सोचा कहीं अनीस की। क्या अनीस पिया? कुछ नहीं। मंजूर कुछ खाओ पियोगे? जा बेटा कुछ तैयार कर, चल आ मेरा भाई चल। थाने में भाई ढिठाई के साथ कह रहे थे कि दादा का फोन आया था, वो आना भी चाह रही थी पर मैंने आने नहीं दिया, कि कहीं अनीस मिर्जा ये ना कह दे कि शायद नहीं जायदा। अम्मा वो आना चाह रही थी पर मामू ने आने नहीं दिया। अनीस, फुफ्फो खाने के लिए बुला रही है। भूख नहीं है मुझे। कुछ खा लें, परसों से आपने कुछ नहीं खाया। तुम मेरा दिमाग मत खाओ, तुमने मेरी और ज़ाहिदा की जिंदगी बर्बाद की थी ना। अनीस आप ऐसा क्यों समझते हैं? तो फिर कैसा समझूं? कैसे समझूं मैं? तुम ही थी ना जो ज़ाहिदा को मेरे खिलाफ भड़काया करती थी। अनीस आप उसे मिल जाने दो मुझे एक दफा, फिर देखो तुम्हारी कैसे छुट्टी करता हूं। क्या कह रहे थे अनीस भाई? पता नहीं। तुम बताती क्यों नहीं हो मुझे? कहा ना पता नहीं, ऐसे पारा पर क्या। जी
कुछ ना कुछ छुपा रही, पता नहीं क्या हुआ। अरे क्या बताऊं, बस अचानक बैठे बैठे उसके दिल में दर्द हुआ और हॉस्पिटल ले गए। नहीं नहीं अल्लाह का फजल है, अब तो काफी बेहतर है। जी जी अनीस। अच्छा रजिया बाजी, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। जी माँ सदके जाए मेरा बेटा, खुदा के वास्ते दो चार निवाले रोटी के खा ले, मेरी खातिर ही खा ले। भोगनी अम्मा, वैसे मामू ने खूब इंसाफ किया है, पर आए तो पीठ पर खंजर खोपना है, यहाँ तो अपने मामू ने और उनके घर वालों ने सीने पे खंजर खोपा, वो भी पक्के निशाने के साथ। अम्मा मैं बेवकूफ था जो उन लोगों के पीछे पागल हो रहा था, और उन लोगों ने पागल भी समझ लिया। थाने में बड़ी ढिठाई के साथ कह रहे थे कि दादा का फोन आया था, वो आना भी चाह रही थी पर मैंने आने नहीं दिया, कि कहीं अनीस मिर्जा ये ना कह दे कि शायद नहीं शायद। अम्मा वो आना चाह रही थी पर मामू ने आने नहीं दिया। अरे बेटा छोड़ ये बातें, ऐसे कुछ सुन लेगा। यही तो मैं चाहता हूँ अम्मा, के कोई सुन ले। अम्मा मैंने तो सुना था कि औलाद के खातिर माँ बाप अपनी जान दे देते हैं, पर एक औलाद की खातिर दूसरे औलाद को कुर्बान कर देने वाले माँ बाप मैंने पहली मर्तबा देखे। अरे चुप कर जा अनीस, मेरा दिल फटा जा रहा है। अम्मा हम यहाँ पर बैठे हुए, हमारे सर पर छत है, हमारे पास खाना है, आप सोचे कि ज़ायदा किस हालत में होगी, उसके सर पर छत होगी कि नहीं, उसके पास खाना होगा कि नहीं। अम्मा हम लोग इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे, हम लोग जाके खुद क्यों नहीं ढूंढ रहे। अम्मा अम्मा मैं तो बर्बाद हो गया। अम्मा अपने तो बचाते हैं यहाँ, अम्मा मैं और ज़ायदा को क्या हाथ नहीं मर गए। अम्मा मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अम्मा मैं तो शायद को बोलकर आया हूं कि जिस दिन मुझे ज्यादा मिल गया ना मैं उसकी छुट्टी कर। नहीं अम्मा मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अम्मा क्या हाल फल बके जा रहा है तू अनीस। उफ, पहले उन लड़कियों ने नाक में दम किया हुआ था और अब ये लड़का। उसे मिल जाने दो मुझे एक दफा, फिर देखो तुम्हारी कैसे छुट्टी करता हूं। उसे बारा पढ़ लेती हूँ। जी अम्मा खाना मैं ले आऊंगी। ओके अल्लाह हाफिज। फहमीदा अम्मा कह रही हैं शराफत से आज मामू के घर चली चलो। मामू के घर तो चलने की जगह नहीं है, अब तो मुमानी चल बसी हैं, तो वहां तो जोग दर जोग लोग आ रहे होंगे ना झूठ बोलने। तुम पागल हो गई हो क्या, मुमानी को दिल का दौरा पड़ा है, मरी नहीं है वो। मरी नहीं है वो, काश मर जाती तो सुनने को मिलता मरूमा बहुत ही अच्छी थी, मोहल्ले में किसी को भी सांस लेने की जरूरत पड़ती थी तो वो अपना पिता निकाल के दे देती थी। शर्म करो फहमीदा, एक तो मुमानी मरुमा नहीं है और दूसरी बात सांस लेने के लिए पित्ते की नहीं फेफड़ों की जरूरत पड़ती है। मुमानी ना हमेशा से मरुमा ही थी, और तुम मेरी ज्यादा है ना जोग्राफिया नहीं सही करो, मैंने बोल दिया ना मैं नहीं जा रही। खुदा का खौफ करो, अगर आज किसी के काम आओगी ना तो वो हमारी मुसीबत में हंसी ठट्टे उड़ाएंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ किसी के काम आने की कोई जरूरत नहीं है। अंगूठी तो शाहिदा की है ना? नहीं मेरी है। शाला, उस दिन अम्मा कह भी रही थी कि शाहिदा का सारा जेवर बाहर पड़ा है, तुमने दो इधर और बताओ बाकी का जेवर कहाँ पर है। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे क्या पता कहाँ है बाकी का जेवर। अब मुझे पता चला कि तुम मामू के घर जा क्यों नहीं रही हो। सबर कर जाओ, अभी अम्मा को फोन करती हूँ, वही पूछेंगी तुमसे। आ!
अब कर लेना अम्मा को फोन। अभी सलमान को फोन करके ये जेवर भिजवा देती हूँ। पर अगर इन लोगों ने सलमान को पकड़ लिया तो? हाँ बस चल रहा है इलाज, ठीक हो। पता नहीं करता हूँ तुमसे बाद में बात। क्या बात है अनीस मियां, सब ठीक तो है? जहाज़ेब मेरा दोस्त है, अमेरिका में होता है, डॉक्टर है वो, उसी से बात कर रहे थे। आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं अनीस मियां। परेशान क्यों ना हो, इतना छोटा सा बच्चा है, उसे ब्लड कैंसर कैसे हो सकता है? क्या कह सकते हैं अनीस मियां, बीमारियों का दिल नहीं होता, कुछ नहीं कह सकते। उसके लिए सब कुछ करेंगे। अंदाजा है हमें, बेटा है वो हमारा। जाहिदा की कोई खबर? साहिदा के बारे में आपसे कह चुके हैं, नाम मत लीजिए उसका हमारे सामने, नफरत करते हैं हम उससे। वो तो ठीक है पर कहा ना आपसे, नाम मत लीजिए उसका, हमारी इज्जत से खेला है उसने, हमें ठेस पहुंचाई है। अनीस मियां एक मशवरा दें आपको, आप अलहदगी इख्तियार कर लीजिए जाहिदा जी से। हम उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते, जिंदगी भर अपना नाम देकर बिठाना चाहते हैं। ऐसी बातें नहीं करते। आप कुछ मत बोलिए, जाए जाइए, हमारे सामने दोबारा मत आइएगा। ठीक है अनीस मियां, हम चले जाते हैं और कुछ कहेंगे भी नहीं, लेकिन एक बात बता देते हैं जाने से पहले, आप जो चाहें कर लीजिए, अमेरिका चले जाइए या सिकंदर को अमेरिका भिजवा दीजिए, लेकिन इस मर्ज का इलाज सिर्फ मां या बाप के बोन मैरो से हो सकता है। मां या बाप, तो मेरे सिकंदर से बात क्यों नहीं करवा रहे? वो इस पर खेल रहा है। वो सुबह भी खेल रहा था और दोपहर में सो रहा था। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, इसमें मसला क्या है? मसला क्या है ये मैं तुम्हें घर आके बताती हूँ। एक मिनट, तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है, मैं घर पर हूं नहीं और बीजान की तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ समझने की कोशिश करो, बीजान उसको देखकर डिस्टर्ब हो रही थी। अनीस तुम सच कह रहे हो ना? बहुत बुरी आदत है किसी की मंगेतर पे नजर रखना, किसी की बीवी पर, मगर अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, जो होना था वो तो हो गया। देखो तुम मुझे शराफत से बता दो उसका पता। बताते हैं क्या नाम है आपका? अनीस।